तो यहाँ सैनिकों को क्यों भेजते हो? आरएसएस के लोगों को वहां भेजिए लाठी लेके। अच्छी बात है, बहुत देर से हो रही है लेकिन दुरुस्त है। मीटिंग लेना चाहिए था, पहले ही लेनी चाहिए थी। क्या है, घुसखोरी कितनी हो गई है, क्या हुआ है, उसकी मालूमात पूरी तरह से मिलना बहुत ज़रूरी है। देश को इसमें विश्वास में लेना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात ऐसी है कि हम बहुत, उन्होंने घुसपैठ बहुत की है, बड़े पैमाने पर वो अंदर आ गए हैं। और दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र वो गए थे, बिना शस्त्र गए थे। चीन के भी बिना शस्त्र आए थे ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो आए वो लाठी लेके, उसको खिले लगे हुए थे और लोखंड लगाया हुआ था और उससे उन्होंने मारा। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। कई घायल हो गए, घायल जल्दी से जल्दी अभी काम पर या फिर जाएंगे बॉर्डर के ऊपर बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ और ये हमारी जो नीति है उसका, उसके ज़रिए ये हुआ। इसे कैसे हम हमारे सैनिकों को बिना शस्त्र भेजें? सब वो लड़ते और फिर कुछ होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो, ये क्या आरएसएस की शाखा है? तो यहाँ सैनिकों को क्यों भेजते हो? आरएसएस के लोगों को वहां भेजिए लाठी लेके, वो बॉर्डर का ये करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन सर